एवरीवन, वेलकम बैक टू किड्स क्रो। आज हम देखो एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे किस तरह से करना है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ों को समझ में आ जाएगी। एक तो क्वेश्चन को पहले हम अच्छे से रीड कर लेते हैं। दहाई की संख्या, सैकड़े की संख्या और 10,000 की संख्या का स्थानीय मान हमें निकालना है। अब ये इकाई, दहाई, सैकड़ा क्या होता है, अगर इससे पहले आपने पढ़ लिया है तो ठीक है, वरना मैं एक बार और बता देती हूँ। ये एक संख्या दी हुई है, इसमें हमें देखो ये वाली संख्या जो है वो इकाई की संख्या है, ठीक है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये है दहाई की संख्या, ये सैकड़ा, दहाई, सैकड़ा, ये हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, ठीक है। ये बहुत समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम किसी संख्या, किसी अमाउंट को हम काउंट करते हैं या पढ़ते हैं उसको कि किस तरह से हमें रीड करना है, तो हम इसी संख्याओं को, इन सब को ध्यान में रखते हुए ही उस संख्या को रीड करते हैं कि ये है इकाई की संख्या, ये दहाई की, ये सैकड़े की, ये हज़ार, 10,000, लाख, 10,00,000, इस तरीके से ये आपको पता होना चाहिए। अब हमें क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, दहाई की संख्या, सैकड़े की संख्या और 10,000 की संख्या का स्थानीय मान निकालना है। अब स्थानीय मान आपको निकालना आता ही होगा, तो इस तरीके से अब हमें देखना है कि दहाई की संख्या कौन सी है। दहाई की संख्या कौन सी है, जीरो है, तो जीरो का स्थानीय मान क्या निकल आएगा। अब देखो जीरो है और उसके बाद इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे किससे, एक संख्या, एक संख्या है जीरो के बाद, तो यानी कि 10 से, ठीक है, 10 से करेंगे तो जीरो से किसी भी का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा, यानी कि इसका तो दहाई का जीरो आ गया। अब क्या करना है हमें, सैकड़े का, सैकड़े की संख्या कौन सी है, पाँच है। अब पाँच का कैसे करेंगे, देखो पाँच, पाँच को मल्टीप्लाई करेंगे हम एक दो, पीछे कितनी संख्या है, दो, यानी कि दो जीरो लगा देंगे, अब क्या आ जाएगा 500, इस तरह से करेंगे। उसके बाद देखो इसका आ जाएगा 500। अब हमें क्या करना है, 10,000 की संख्या है, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी कि हमें तीन का निकालना है, तो तीन का क्या आ जाएगा हमारा, तीन इंटू वन, और कितनी संख्या है तीन के पीछे, एक दो तीन चार, तो चार जीरो लगा देंगे तो कितना हो जाएगा ये, 30,000, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 30,000। तो इस तरह से हमें इकाई, दहाई, अब कोई सी भी आपको संख्या दे दी जाए, दहाई की संख्या दे दी जाए, इकाई की संख्या दे दी जाए, तो आप उसका स्थानीय मान आसानी से निकाल सकते हो। तो इसमें आप दो टॉपिक को आपने अच्छे से समझ लिया है कि हमें इसको किस तरह से रीड करना है, इकाई से लेकर 10,00,000 तक की संख्या को, और उसके बाद इनका स्थानीय मान किस तरह से निकालना है। तो अगर आपको पूछा है तो दहाई की संख्या का स्थानीय मान, दहाई की संख्या का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, जीरो, सैकड़े की संख्या का 500 और 10,000 की संख्या का, की संख्या का, की संख्या लिख देना भाई 30,000, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। तो ये था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका।